हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो अभी बजे हैं सुबह के 3:30 और मैं हो चुकी हूँ रेडी। नोनी को भी मुझे रेडी करना है। हम लोग जा रहे हैं दिवाली के लिए गांव। आपको मेरा भी फेस सोया सोया सा लग रहा हो क्योंकि मैं अभी उठ के ना नहाई हूँ और बस रेडी हुई हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं अभी। मैं आपको सारा रास्ते का ब्लॉग जरूर शेयर करूँगी। जी हैंकी निकाल लो, ये मुँह से हैंकी निकाल लो। तैयार होने के बाद नोनी का हो गया है रोना शुरू क्योंकि ये बाल नहीं बनवा रही है। और हम निकल चुके हैं अभी घर से और अभी हम घर के ही पास पहुंच चुके हैं और हमारे घर के पास है गुफा वाले बाबा। इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। तो हम वहां से निकल रहे थे तो वहां पे काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ था। हम जाते लेकिन क्या हुआ कि हम बुकिंग वाली गाड़ी में गए थे तो इसमें रुक कर नहीं जा सकते, लेकिन आते टाइम देखते हैं कि जाएंगे ज़रूर इस मंदिर के। ब्लॉग ज़रूर डालूंगी। मतलब 12 तारीख को आज और कल उनका ऑफिस है, आज उनके ऑफिस में पार्टी है। तो और घर आने के बाद नोनी की जो शैतानियाँ शुरू हुई हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, उसने तो बहुत ज़्यादा शैतानी शुरू कर दी है घर आने के बाद। ये बालकनी पे ही बैठी रही, अंदर आने का नाम ही नहीं ले रही है। और गांव में ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि नोनी की सॉक्स और कैप तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है और 2-3 कपड़े इसने पहने हुए हैं। अब इसका मज़ा इतना आ रहा है खेलने में कि मैं क्या ही बताऊँ, बस खुश इतनी ज़्यादा है। यहाँ आने के बाद भी खुला माहौल मिलता है ना इसको यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे रख दो जहाँ माँ जी ने सामान रख रखा। हाँ हाँ, जोड़ लो, हाँ जोड़ो, हाँ जोड़ो जल्दी, जय कर दो, जय। नोनी क्या कर रही बेटा? नोनी की मस्ती खत्म होने के बाद हम लोगों ने खाया दोपहर में खाना और खाने में बना था पालक का साग और मक्का की रोटी, लस्सी। और आप देख सकते हो खाना कितना यम्मी है यार। खाना गांव का खाना खा के तो ना मज़ा ही आ जाता है। फिर मैं सो गई थी, सोने के बाद 3 बज चुके थे तो मैं उठी और फिर मम्मी पापा के लिए मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद मैंने सबको चाय दी और चाय बनाने का मज़ा तो तभी है जब तक चाय में अदरक ना डले कुट के, तो जब तक मज़ा नहीं आता। तो मैं बना रही हूँ अभी चाय, फटाफट चाय बन। और 3 बज चुके हैं, 3 बजने के बाद मैं बना रही हूँ अभी दोपहर की चाय क्योंकि पापा भी बाहर से घूम कर आ चुके हैं और मम्मी भी उठ चुकी है। नोनी अभी सोई हुई है तो उसके लिए बाद में करूँगी दूध गर्म। अभी मैं बना रही हूँ चाय। चाय में मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं और मैंने और मम्मी पापा को कुछ बोल रही हैं, पता नहीं क्या बोल रही हैं, आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद मम्मी ने की थी शाम को तुलसी पूजा तो नोनी कर रही थी मम्मी के साथ पूजा और बहुत ही मस्त होकर डांस कर रही थी क्योंकि मम्मी कर रही थी आरती और उसको पूजा करने का बड़ा शौक है। उसने एक बार तो क्या किया, मम्मी ने जैसे ही दिया रखा और वो ना मम्मी अंदर आई और दिया उठाकर अंदर ले आई, बोल रही है मम्मा ये लो। मैंने कहा यार ये मम्मी दिया लेकर अंदर आ गई। फिर मम्मी ने की मंदिर में पूजा तो नोनी यहाँ भी खड़ी होकर कर रही थी डांस क्योंकि इसको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही थी। उसको शरारती शैतानी करने के लिए कुछ कुछ सामान यहाँ पे मिल रहा था तो घंटी बजा रही थी, कभी कुछ ये सब चीज़ें कर रही थी वो यहाँ पर खड़ी होकर। और घूमना तो इसका बंद ही नहीं हो रहा था, इसको पता नहीं क्या ही मज़ा आ रहा था डांस करने में। जैसे ही फ़ोन में आरती चला रखी थी मम्मी ने तो इसको ये हो रहा था कि पता नहीं क्या चल रहा है। और ऐसे ही डांस वांस कुछ नहीं करती है, बस खड़ी होकर ना ऐसे ही करेगी और नोनी का ना सिर लग जाता है मंदिर में और मैं बोलती हूँ उसको मेरे पास आओ लेकिन ये आती नहीं है, फिर भी खड़ी होकर ना यहीं पर डांस करती रहेगी। तो अभी बजा रही है खड़ी होकर घंटी और घंटी बजाने के बाद अब चलेगी बाहर घूमने के लिए। और जब से आई है उसने कितने जोड़ी कपड़े यहाँ पर गंदे कर चुकी है और डांस देखो इसका। मंदिर का सामान उठा के फेंक रही है नोनी। नोनी जय करके आ जाओ मेरे पास।